बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ लबे शीरी बनाना। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है। ये मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेके उसे हाफ कप मिल्क में डिज़ोल्व कर लिया है। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं। ये मैंने हाफ प्याली चीनी ली है। ये हाफ प्याली मेरे पास रंगीन सेवैयां हैं। ये थोड़े पिस्ते और बादाम हैं जो कि मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ये थोड़ी किशमिश है जो कि मैं अपने कस्टर्ड में डाल दूँगी। ये मेरे पास 125 ml की क्रीम है जो कि मैं यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास कॉकटेल फ्रूट्स हैं, ठीक है जी, मतलब कि मिक्स फ्रूट्स का मेरे पास टिन है जो कि मैं हाफ यूज़ करूँगी। तो चलिए आइए दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जी व्यूअर्स, ये मैंने अपने जो कॉकटेल फ्रूट्स थे, ठीक है, ये मैंने निकाल लिए हैं। इसका सिरप मैंने हटा दिया है, खाली फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये फ्रूट कॉकटेल हम अपने क्रीम में डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके तो अपने फ्रिज में रख लेंगे। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसे हम रख देंगे फ्रिज में। जी व्यूअर्स, मैंने ये जेली भी ले ली है, इसे मैंने रेडी कर लिया है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और हम ये भी अपने लबे शीरी में यूज़ करेंगे। जी तो ये हमारा मिल्क है जिसको बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन ये अपनी जो मैंने आपको दिखाई थी रंगीन सेवैयां। ठीक है, और साथ ही इसमें हम अपनी चीनी भी डाल देंगे। और फिर जब ये नरम हो जाएंगी हमारी रंगीन सेवैयां, फिर हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट लगते हैं और ये सेवैयां नरम हो जाती हैं। चीनी भी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा डाल दीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो मिल्क है, ये इसके अंदर सेवैयां जो थी वो नरम हो गई हैं। इसमें मैं अब डाल दूँगी किशमिश। इसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। आपने कस्टर्ड को एकदम सारा नहीं डालना वरना ये लम्स बन जाती है, ठीक है। आपने इसे ऐसे ग्रेजुअली मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कस्टर्ड तैयार। अब हमने क्या करना है, इसको कम्प्लीटली ठंडा करके फिर हम इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो कस्टर्ड है ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और अब हम इसमें अपने जो फ्रूट्स और क्रीम मिक्स करके रखे थे ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इन्हें कर लेंगे मिक्स। लीजिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लबे शीरी रेडी है। मैंने इसे पिस्ते बादाम से कर लिया है गार्निश और इस पर जाली भी डाल दी है। आप चाहें तो जाली अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और बताइएगा कि कैसा बना। बिल्कुल चिल करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।